हेलो माय ब्यूटीफुल गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सीनू लई खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये है मियोन का टन कंटूर पैलेट। कुछ इस तरह से ये दिखता है। ये जो पैलेट है तो ये बिल्कुल ही सिवाना के ब्लश और कंटूर पैलेट की तरह ही है। ये भी आप इसकी फ्रंट से पैकेजिंग देख सकते हैं, तो ये एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आता है और यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है हाई डेफिनेशन। देन हम इसको टर्न करते हैं तो ये है मियोन ब्लश एंड कॉन्टोर प्रो मेकअप पैलेट एंड इंग्रेडिएंट्स सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। और जो नेट वेट क्वान्टिटी है वो 20 ग्राम है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 18 है और एक्सपायरी डेट 22 है। दैट मींस फर्स्ट तक की इसकी शेल्फ लाइफ है। हम 3 ईयर्स तक इस पैलेट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे एक स्टिकर है, स्टिकर के ऊपर जो लिखा हुआ है मियोन और यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी लिखी हुई है एंड जो इसकी MRP यहाँ पे है वो है 699 रुपीज़। तो मैंने इसको मार्केट से परचेज किया है तो ये मुझे 550 रुपीज़ का मिला है। और अगर मुझको इस पैलेट की लिंक मिल जाती है किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, देन अब मैं आप इसको ओपन कर दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी सी इसकी पैकेजिंग है, ब्लैक कलर है और आगे से ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू पैकेजिंग है इसकी। सारे कलर्स हमें अच्छे से दिख रहे हैं। 6 पैन्स हैं और बहुत ही अच्छे ह्यूज पैन्स हैं। हम इसे आराम से 3 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं। ओके, देन इसके जो पीछे जो लिखा हुआ है मी ऑन ब्लश एंड कॉन्टोर जो कुछ इसके बॉक्स पर है और तो वो ही सारी चीज़ें इस पर है। अगर आप इसको अगर आपसे ये खो जाता है तो आपके पीछे भी सब कुछ लिखा हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो ये सब कुछ अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बस इसमें कोई भी मिरर नहीं है लेकिन इसकी जो प्लास्टिक है बहुत अच्छी है और अच्छे से ये देखिए बंद हो जा रहा है। खुलने की भी टेंशन नहीं है, ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इसे कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। और इसमें आपको ये जो ऊपर की साइड मिल जाते हैं ये हाइलाइटिंग शेड्स हैं सारे, आप इसे अच्छे से हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये 2 ब्लश शेड्स हैं और ये कंटूर के लिए है ये ब्राउन कलर। ओके, तो ये कुछ ग्रीनिश गोल्डन कलर है। ओके, देन ये जो कलर है वो शैम्पेन कलर है, ये ब्रॉन्जी कलर है और ये कोरल कलर है, देन ये बेबी पिंक कलर एंड ये ब्राउन कलर। ओके, अब मैं आपको इन सारे कलर्स का इस पैलेट में से जितने भी ये सारे कलर्स हैं इसका स्वॉच करके दिखाऊंगी आपको किस तरह से इसके सारे कलर हैं। हाईली पिगमेंटेड है। जब मैंने इसे लिया था मुझे बहुत बहुत पसंद आई है ये पैलेट। ओके, आप देख सकते हैं एक स्वैप में इसकी पिगमेंटेशन आप अच्छी तरीके से ये देखिए आप। और मैं आपको इसका जो लास्ट कलर है ये भी दिखा देती हूँ, ब्रॉन्जी कलर है जो कॉन्टोर के लिए ये कलर दिया गया है। बहुत क्रीमी टेक्सचर के साथ है, पाउडरी नहीं है बिल्कुल भी। और ये इसका लास्ट। तो मैंने आपको इस पैलेट में सारे कलर्स का स्वॉच दिखा दिया है। अब मैं आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ कि ये जितना अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा है भी या नहीं। तो मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी। कॉन्टोर करने के लिए मैं इस कलर का यूज करूंगी, पिगमेंटेड है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ही यूज करेंगे हम इसे। देख सकते हैं आप कितना ज्यादा डार्क है, तो आप इसे कम ही यूज करिए। सी द पिगमेंटेशन, तो इसका ये जो कोरल शेड है वो उससे ब्लश के लिए यूज करके दिखाने वाली हूँ इसका कोरल शेड। तो ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इसका, देख सकते हैं आप।
शीन है इसमें, जो कि आपको एक हाइलाइटर का भी काम करने वाली है। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको ये वाला जो शेड था वो कॉन्टोर में यूज़ करके दिखा दिया, ये भी दिखा दिया है। और आप इस पैलेट को एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है ये। आप कलर क्रीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, जन ये शेडो के लिए, ये सारे कलर्स और हाइलाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ आप इस पैलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये कलर है जो गोल्डन कलर है, यह कलर यूज़ करूँगी हाइलाइटिंग के लिए। तो मैं इसे सिंगल ही एक बार स्वैप करने वाली हूँ इसको, देखते हैं इसकी पिगमेंटेशन किस तरह से है। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं कितना स्टनिंग है, कितना अच्छा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें चंकी पार्टिकल्स नहीं है, एक प्यारी सी शीन आपको दिखेगी। और आप इसे डे टाइम में भी अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, एकदम लग रहा है कि मेरे फेस पर ना बल्ब जल गए हों। कलर को ये इसको फिंगर की हेल्प से नोज को भी हाईलाइट करके दिखाने वाली हूँ। तो बहुत क्रीमी टेक्सचर है इन सारे कलर्स का, बहुत अच्छा लगा है मुझे ये, कर दिखाती हूँ। है मियोन का ये हाइलाइटर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है और बहुत ही अच्छे से इसने फुल फेस को हाईलाइट कर दिया है, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स इसमें नहीं है, एकदम सटल सी आपको शीन दे रहा है। एक ही स्वैप में आपको इतना प्यारा समझ में आने वाला है कितना अच्छा है। अगर आप इसको, मैं इस पैलेट को आपको रिकमेंड करूंगी, आप इस पैलेट को जरूर लीजिए, बहुत अच्छी पैलेट है ये। ऑनेस्ट रिव्यू इस पैलेट के लिए, मियोन पैलेट के लिए। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।